नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 1 मई यानी कि आज के इम्पॉर्टेंट खबर यानी कि न्यूज़ और करंट अफेयर के बारे में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर और करंट अफेयर बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का दिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज का हमारा पहला जो दिन है यानी 1 मई, 1 मई किस लिए मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये मजदूर दिवस के लिए मनाया जाता है। आपको पता ही होगा कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आज का हमारा पहला नंबर खबर है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही दुखद खबर है जो कि आप लोगों ने कल के न्यूज़ में देखा होगा और बहुत ही कुछ सुना भी होगा कि जो हमारे ऋषि कपूर जी है इनका भी निधन हो गया। कितने बड़े दुखी खबर है क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऋषि कपूर थे, ठीक है, ये जो ऋषि कपूर थे बहुत ही अच्छे एक्टर थे और इतने फेमस एक्टर थे ना कि आप सभी जानते ही हैं। इनके मृत्यु पर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और भी बड़े बड़े जितना भी एक्टर सब है सभी लोगों ने अपना दुख व्यक्त किया। और परसों के दिन जो इरफान खान जी का जो निधन हुआ था उनके मृत्यु पर भी हुआ था। मतलब समझ रहे तो कि कितने बड़े ये सब एक्टर हैं, इसलिए इन लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, इन लोगों की आत्मा की शांति के लिए आप लोग जो है कम से कम 1 मिनट के लिए मौन व्रत मतलब मौन रखिएगा और इनकी आत्मा की शांति के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा भगवान से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल का दिन देखिए, सुबह में 8:45 में इनका निधन हो गया था। 8:45 ही सुबह में इनको जो है ल्यूकेमिया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा नंबर से खबर की तरफ चलते हैं। क्या है और ये थोड़ा सा खुशखबरी है, वो ये है कोरोना वायरस को लेकर के कि जो हेल्थ मिनिस्टर है ना, उन्होंने कहा है कि 25% जो पेशेंट है उसके आसपास जो रिकवर हो गए हैं। मतलब समझ रहे तो कि अभी दिन प्रतिदिन जो खबर है, जो ठीक होने का जो खबर है वो पॉजिटिव आता जा रहा है। मतलब कि ये जो हमारा जो प्लाज्मा थेरेपी है ये एक प्रकार से सही हो रहा है, एक अच्छा कारगर जो सिद्ध साबित हो रहा। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा दुखी है, खबर ये है फ्रेंड्स कि ये तो ठीक तो हो रहा है मानते हैं, लेकिन जो डेली जो है, डेली जो केस हो रहा है, जो डेली जो एक्टिव केस हो रहा है, मतलब कि डेली जो आदमी लोगों को जो पकड़ रहा है कोरोना वायरस, उसका भी संख्या बढ़ रहा है और रिकवरी का भी संख्या बढ़ता जा रहा है। तो अगर वो संख्या अगर रुक जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन लोग फिर भी सोशल डिस्टेंस को नहीं मानते हैं, सुनते ही नहीं है बात से, तो क्या बोला जाए। अभी तो देखिए जर्मनी वाले जो है ये डेटा जो है बोले हैं कि 20 मई तक जो है भारत में, कम से कम भारत में सब ठीक हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से हमारा आज का करंट अफेयर स्टार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डेली देता रहता हूँ। चलिए आज का ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, मतलब कि केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है, उन्होंने 28 अप्रैल को पहले आभासी पीटरबर्ग जलवायु संवाद में, मतलब कि उन्होंने पीटरबर्ग में जो है एक क्या बोला था मीटिंग बैठाया था, तो वहाँ पे जो है क्लाइमेट डायलॉग के ऊपर यानी कि जलवायु के बारे में उन्होंने बातचीत किया 28 अप्रैल को। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि पर्यावरण और वन के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है, मतलब कि एनवायरनमेंट के देखभाल करने वाले और उसके मंत्री कौन है? तो उसके मंत्री है हमारे ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश जावड़ेकर जी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? तो हमारे ऑप्शन नंबर डी प्रकाश जावड़ेकर है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा क्योंकि ये देखिए ये सब क्वेश्चन तो आता है ना कि हमारे ये मिनिस्टर कौन है, हमारे किस चीज़ के लिए किसको मिनिस्टर दिया गया है, ये तो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में। तब नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि अ रिपोर्ट बाय द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एपेक मतलब वही कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर कि इन क्षेत्रों को उम्मीद है कि कोविड-19 के प्रभाव के कारण 2020 में आर्थिक प्रतिशत में कितनी गिरावट आएगी। मतलब आपको समझाने का इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आप लोग तो इसको क्वेश्चन समझ गए होंगे कि आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहा है कि पूरा एशिया में, ठीक है, पूरा एशिया में आर्थिक स्थिति जो कितना डाउन हो जाएगा 2020 में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2.7%। ये कोरोना वायरस ना फ्रेंड्स 2020 में हम लोगों को सत्यानाश कर दिया। कितना बढ़िया, हम लोग सोचे थे कि 2020 है, कितना मस्त ईयर जाएगा, 20 नाम भी बहुत अच्छा है 2020, लेकिन सब चौपट हो गया। देखिए क्या है, 2.7% से जो घट गया है। और ऐसा जो है देखिए फ्रेंड्स क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेनेशन में ये भी मैं लिखा हूँ कि 2009 में ऐसा हुआ था, ठीक है, 2009 में ऐसा हुआ था कि पूरा जो एशिया है उसका जो इकोनॉमिक है एकदम ज़ीरो ग्रोथ के पास पहुंचा था, है ना, नियर ज़ीरो ग्रोथ के रेट के पास पहुंचा था। और वही सेम हाल 2020 में भी हुआ है, ठीक, 11 साल बाद। अभी देखिए और क्या क्या हो सकता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का,
कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत, ठीक है, जल शक्ति अभियान ने वर्तमान स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। मतलब कि जो जल शक्ति का जो मंत्री है, उन्होंने जल शक्ति से बचने के लिए, मतलब क्या है कि जैसे जल का जो कमी हो जा रहा है ना, उन सभी चीज़ के लिए बचने के लिए जो जल मंत्री है, उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि जो जल शक्ति अभियान है, सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2019 को, मतलब कि प्रधानमंत्री जी के दूसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है ये लागू किया गया था, ठीक है, 1 जुलाई को। और वे प्रधानमंत्री कब चुने गए थे? तो 23 मई को, याद होना चाहिए आप सभी को, क्योंकि 23 मई को जो है उनका रिजल्ट आया था, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते क्या है, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, और एक साल तक, मतलब अभी तक पूरा एक साल नहीं हुआ है, और अभी तक जो है 256 जहाँ पर वाटर स्ट्रेस है डिस्ट्रिक्ट, मतलब जहाँ पर देश में पानी का कमी है, उसमें से 256 जिला में जो है ये सहायता अभी तक पहुँचाया गया है जल शक्ति अभियान के द्वारा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन तक की तरफ चलते, क्या 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मूडीज़ के इन्वेस्टर के अनुसार, ठीक है, जो कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत के विकास के अनुमान में कटौती की गई है, जो मार्च में 2.5% से कितने परसेंट अधिक है? मतलब क्या बोला जा रहा कि मार्च में जो 2.5% जो अनुमान लगाया गया था कि इतना परसेंट जो है कटौती किया जाएगा, उसके हिसाब से देखा जा रहा है क्या कि 2020 में, यानी पूरा ईयर में जो कितना जो आर्थिक स्थिति है, कितना जो कटौती हो जाएगा? तो वह हमारा ऑप्शन नंबर डी 0.2%, इतना परसेंट का कटौती और बढ़ गया मूडीज़ की रिपोर्ट के अनुसार। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि भारत किस महीने के अंत तक स्वदेशी, क्या है कि भारत किस महीने के अंत तक रैपिड टेस्टिंग एंड RT-PCR डायग्नोस्टिक किट जो है बनाना, मतलब बना देगा, ठीक है, मतलब तैयार कर देगा? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मई तक, मतलब कि मई तो आज आ ही चुका है, तो अब शायद मई के अंत महीने तक ये जो बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लगता है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि NTRO के आकलन के तहत नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं NCIIPC, वो कहते क्या है कि भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्र उन असमान ताकतों के शिकार हो सकते हैं, ठीक है, उन असमान ताकतों के शिकार हो सकते हैं जो साइबर हमले के लिए घर से काम करने वाले कर्मचारियों को दिए गए जियो फेंसिंग प्रतिबंधों में छूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि भारत पर जो है जियो फेंसिंग के ज़रिए, यानी कितना जो है नेट भारत में फ्री दिया जा रहा है, जिसके ज़रिए जो है भारत में साइबर अटैक हो सकता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए जो राष्ट्रीय तकनीकी जो स्थापित किया गया था, वो कब किया गया था? तो ये तकनीक स्थापित किया गया था फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी 2004 में, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते क्या है कि इंटरनेशनल डांस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, ये कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था हमारा ऑप्शन नंबर सी 29 अप्रैल को, ठीक है फ्रेंड्स, कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था हमारा ऑप्शन नंबर सी 29 अप्रैल को। अब इसका लक्ष्य क्या होता है फ्रेंड्स कि डांस डे क्यों मनाया जाता है? तो इसका लक्ष्य यही है कि जितने भी लोग हैं, जितने तो नहीं पता, लेकिन इसका लक्ष्य यही है कि कम से कम आर्ट मतलब क्या होता है, कला, उस कला से लोगों को अप्रिसिएट किया जाए। कहने का मतलब ये है कि लोग मतलब क्या कि स्टूडेंट लोगों को जो डांस है, ठीक है, डांस में एजुकेशन दिया जाए और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन लोगों को इनक्रेज भी किया जाए। और ये जो डे मनाया जाता है फ्रेंड्स पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में मनाया जाता है, और आप सभी को पता ही होगा कि अभी इस जनवरी के करंट अफेयर में एक ये भी करंट अफेयर आया था फ्रेंड्स कि एक लड़की थी जो टोटल 24 घंटा लगातार डांस की है, टोटल 24 घंटा लगातार डांस की, थोड़ा सोचिए बिना रुके हुए। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट का नया चीफ किसे चुना गया है, ना नया चीफ जस्टिस किसे चुना गया है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जस्टिस दीपंकर दत्ता जी को। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस जो किसे चुना गया था, और आपको डेट भी दे सकता है, अगर डेट दे तो और अच्छी बात है ना, क्योंकि अगर डेट दिया रहेगा तो आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही हो सकता है आंसर। 11वां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड, यानी PESB का चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है 29 अप्रैल को? तो ये चुना गया है हमारा ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार को, ठीक है फ्रेंड्स, किसे चुना गया है? तो ये चुना गया हमारा ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार को, ठीक है फ्रेंड्स।
आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि विच सिटी यूज्ड अ मोबाइल COVID-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। मतलब कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कौन सा शहर जो है COVID-19 के सैंपल को कलेक्शन करने के लिए जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ किया है। तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए अगरतला, यानी कि त्रिपुरा सरकार जो है ये की है, मतलब जो COVID-19 का जो सैंपल है ना वो सभी कलेक्शन करेगा एक एप्लीकेशन पे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यही बोला गया है। 13वां नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या आज का कि माइकल रॉबिन्सन पास अवे ऑन 28 अप्रैल, 28 अप्रैल को उनका निधन हो गया था और वे 61 साल के थे। ठीक है, और वे किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे हमारे ऑप्शन नंबर ए फुटबॉलर थे। ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारे एक फेमस फुटबॉलर थे। एक्सप्लेनेशन में अगर चलते हैं तो उनको जो है उनको भी देखिए, उनको स्किन कैंसर हुआ था 2018 में, और ऋषि कपूर जी को भी कैंसर हुआ था ठीक 2018 में, मतलब कि आज से ठीक 2 साल पहले उनको कैंसर हुआ था और 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गया। 14वां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि हु वाज द सेकेंड लार्जेस्ट स्पेंडर इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2019, यानी कि 2019 में मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो है हमारा चाइना, जो प्रोड्यूसर है कोरोना वायरस का, है ना। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या बोला जा रहा कि चाइना जो है 2019 में $261 बिलियन जो है खर्च किया था, जो कि 5.1% इंक्रीज़ हुआ। भारत जो है ज़्यादा नहीं, सिर्फ $71.1 बिलियन जो खर्च किया, जो कि 6.8% जो है इंक्रीज़ हुआ पिछले के अनुसार। ठीक है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, और आपको पता ही होना चाहिए कि जो अमेरिका है वो एक नंबर पे हमेशा रहता है। तो अमेरिका जो $732 बिलियन जो खर्च करता है हर साल, और 2019 में इतना खर्च किया, जो कि उसके पिछले साल से 5.3% जो है ज़्यादा वृद्धि हुआ है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और खबर बताता रहता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, कि यदि आप 9th क्लास में हो तो आप जो हो तो मैं आपको पूरा मैथ का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपके बुक्स का, तो आप वो भी आकर मेरे वीडियो पे आके देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं रखता हूँ, अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ।